मेरठ के बेगमपुर में एक होटल में बिल मांगने पर एक युवक ने तमंचा तान दिया और होटल का रजिस्टर लेकर सरेआम अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया। लेकिन यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस के मुताबिक होटल शेरे पंजाब में मोहित चौधरी नाम का एक युवक लड़की के साथ आता है और वो अपने लिए रूम मांगता है, लेकिन होटल मैनेजर के मना करने पर वो अकेला ही होटल के रूम में ठहर जाता है। बाद में खाना खाने पर जब मोहित चौधरी को वेटर ने बिल चुकाने को कहा तो उसने उसकी पिटाई कर डाली। इसके बाद तमंचा दिखाकर आरोपी के साथ फरार हो गया। यूपी के जौनपुर में 7 साल के मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची के परिवार वालों ने हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग की है। बच्ची कुछ दिनों पहले अपने ननियाल मड़ियाहू कस्बे में आई थी, जहां वारदात को अंजाम दिया गया। यूपी के अमरोहा के मंडी धनोरा से समाजवादी पार्टी के विधायक एम चंद्रा के बेटे और उनके भाई भतीजे पर केस दर्ज कर लिया गया है। इन पर एक युवती के अपहरण का आरोप लगा है। युवती के पिता के मुताबिक समाजवादी पार्टी के विधायक का भतीजा उसकी बेटी के साथ आए दिन छेड़खानी करता था, जिसकी शिकायत 6 महीने पहले भी की थी। उस समय दोनों पक्षों में सुलह हो गई थी। युवती के पिता के मुताबिक 23 जनवरी को विधायक के भतीजे ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। यूपी के मिर्जापुर में 2 लोगों की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस के मुताबिक पैसा और जमीन के लिए गुड्डू सिंह और उसके ड्राइवर की हत्या उसके ही जानने वालों ने की है। पुलिस ने आरोपी अजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के मुताबिक मृतक गुड्डू सिंह उससे 12 लाख रुपए लेने के बावजूद जमीन नहीं दी। यूपी के फरुखाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बच्चे की जिंदगी छीन ली। स्कूटी पर सवार एक पिता अपने 3 बच्चों के साथ जा रहा था, तभी ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में पिता और 2 बेटों की हालत गंभीर बनी हुई है। टक्कर के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। यूपी के हापुड़ के एसएसपी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को जान से मारने की धमकी भरा खत मिला है। खत में जान से मारकर गर्दन काटकर लटकाए जाने का जिक्र है। खत मिलने के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया है। प्रिंसिपल से लेकर शिक्षक तक सहमे हुए हैं। इस कॉलेज में 1 महीने पहले चीफ प्रॉक्टर ने एक समुदाय के छात्र को जाति सूचक शब्द कहा था, जिसको लेकर भी हंगामा हुआ था। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में 3 साल के मासूम बच्ची के साथ 40 साल के शख्स ने रेप किया। आरोपी बच्ची का दूर का रिश्तेदार लगता है। बच्ची की चीख पुकार सुनकर लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मासूम बच्ची अभी अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के धौलपुर जिले में दुष्कर्म के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना 19 जनवरी की है, लेकिन गिरफ्तारी अब जाकर हुई है। जोधपुर में सीमेंट मिक्सर के कार पर गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। मिक्सर के गिरने से कार का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया, जिसमें पीड़ित रमन फंस गया। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद 3 क्रेन की मदद से उसे बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के गुना जिले के मकसूदनगढ़ में एक शख्स को रस्सी से बांधकर मुंह पर कालिक पोत दिया। आरोपी प्रकाश टेलर के मुताबिक पीड़ित दिनेश टेलर उसके और उसके परिवार की महिलाओं के चरित्र हनन की बातें गांव में प्रचारित करता था, जिससे गुस्से में आकर प्रकाश ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में सेना के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। मेजर जनरल अशोक कुमार और मेजर जनरल एसएस लांबा के खिलाफ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। अशोक कुमार और एसएस लांबा पर प्रमोशन के लिए रिश्वत देने का भी आरोप है। उधमपुर आतंकी हमले में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। लश्कर ए तैयबा के 9 आतंकियों को इसमें आरोपी बनाया गया है। लश्कर ए तैयबा के 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 5 अगस्त को उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर हमला किया था। हमले में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 13 घायल हो गए थे। मामले को बाद में जांच के लिए एनआईए को सौंप दिया गया था। असम के चिरांग में पुलिस और सेना के साझा ऑपरेशन में उग्रवादी संगठन एनडीएफबी का हार्डकोर उग्रवादी लिंकमैन और गंगाराज वरी पकड़ा गया। सुरक्षा बलों के मुताबिक पकड़े गए उग्रवादी 2012 से एनडीएफबी के साथ जुड़े हुए थे और इनकी आदिवासी हत्याकांड में भूमिका थी। सुरक्षा बलों ने इनके पास से 1 पिस्तौल, 1 ग्रेनेड भी बरामद किया है। झारखंड के पलामू में नक्सली हमले में शहीद सभी 7 जवानों को आखिरी सलामी दी गई। जवानों को डाल्टनगंज के पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर झारखंड के डीजीपी के साथ पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे। कालापहाड़ में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग किया था, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए। आज गणतंत्र दिवस समारोह का आधिकारिक समापन होगा। शाम को विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जाएगा। बीटिंग रिट्रीट से दिल्ली का रायसीना हिल्स रोशनी से जगमगा गया है।
राष्ट्रपति भवन समेत साउथ और नॉर्थ ब्लॉक में 1,00,000 बल्ब लगाए गए हैं। असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने सीएम उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए सर्बानंद सोनोवाल के नाम का ऐलान किया गया है। सीएम उम्मीदवार बनाए जाने पर सर्बानंद ने पीएम मोदी और बीजेपी का शुक्रिया किया, साथ ही कहा कि असम में बीजेपी की जीत होगी। कांग्रेस के शासनकाल में जनता को बहुत भुगतना पड़ा। दुर्नीति और भ्रष्टाचार की वजह से जनता को सबसे बड़ा सफरिंग हुआ, तो इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है और जनता का विश्वास है कि बीजेपी ही परिवर्तन दे सकते हैं, विकास दे सकते हैं, सुशासन व्यवस्था लागू कर सकते हैं। मोदी सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। स्मार्ट सिटी की पहली लिस्ट में 20 शहरों को जगह दी गई है। इसमें सबसे पहला नंबर भुवनेश्वर का है। हालांकि पहली लिस्ट से यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के शहरों का नाम गायब है। सरकार 50,000 करोड़ रुपए से 20 शहरों को चमकाएगी। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कुल 100 शहरों को स्मार्ट बनाया जाना है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि आने वाले सालों में सरकार ऐसे 40 शहरों का ऐलान करेगी। पहले किस्ते में हम लोग 20 शहरों को स्मार्ट सिटीज के रूप में डेवलप करने के लिए कैबिनेट ने तय किया और हमने पार्लियामेंट को भी बताया। पहले साल 20 होगा, अगला साल 40 होगा और तीसरा साल और 40 होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी नई किताब द टर्बुलेंट ईयर्स 1980-1996 में बाबरी विध्वंस के लिए पूर्व सीएम नरसिम्हा राव पर उंगली उठाई है। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि बाबरी विध्वंस के बाद उन्होंने अपनी नाराजगी नरसिम्हा राव के सामने जताई थी। अपनी किताब में उन्होंने 6 दिसंबर को देश की सहनशीलता पर बट्टा बताया है। प्रणब मुखर्जी ने इस किताब में संजय गांधी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने संजय गांधी के विवादास्पद रहे परिवार नियोजन को भी उनके शानदार कामों में गिना है। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर आज केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देगा। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार अपना जवाब 29 जनवरी तक दे। इस मामले की सुनवाई 1 फरवरी को होगी। वहीं पूर्व सीएम नबाम टुक्की ने कहा कि मामला कोर्ट में है और उन्हें इंसाफ की उम्मीद है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर पहुंचे। दरगाह पर राहुल गांधी का स्वागत किया गया। राहुल गांधी को पगड़ी पहनाई गई। हजरत निजामुद्दीन पर इन दिनों उर्स चल रहा है। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल से हालात बिगड़ गए हैं। एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रहेगी। आज प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप मंत्रियों के घर के आगे प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है। इस बीच एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन में मैनेजमेंट कोटा रद्द करने पर आज हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार अपनी बहस पूरी करेगी। दिल्ली सरकार ने 6 जनवरी को नर्सरी एडमिशन में मैनेजमेंट कोटा रद्द करने का आदेश दिया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि ऐसा करने के लिए क्या उपराज्यपाल की सहमति ली गई थी। बहस सुनने के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया खुद कोर्ट में हाजिर हुए। दिल्ली सरकार और ब्यूरोक्रेट के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने 2 स्पेशल सेक्रेटरी की सैलरी में 50% की कटौती का आदेश दिया है। इन दोनों स्पेशल सेक्रेटरी को दिल्ली सरकार ने सस्पेंड कर दिया था क्योंकि इन्होंने दिल्ली कैबिनेट के ऑर्डर पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। दिल्ली सरकार के इस फैसले को गृह मंत्रालय पहले ही रद्द कर चुका है। जिन 2 स्पेशल सेक्रेटरी की सैलरी में 50% कटौती के आदेश दिए गए हैं वो गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल के आदेश के बाद अपने अपने विभाग में काम कर रहे हैं। आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। अखिलेश सरकार के इस आखिरी बजट सत्र में विपक्ष की तरफ से हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष अपने कई मुद्दों के साथ सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की तैयारी में है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र को ठीक ढंग से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। 12 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर एक जनसभा में जूता फेंका गया। इस दौरान सीएम बाल बाल बच गए और जूता मंच तक नहीं पहुंच पाया। नीतीश कुमार पटना के बख्तियारपुर में एक सभा में मौजूद थे जब उन पर जूता फेंका गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़े इस कार्यक्रम में सीएम की सुरक्षा को धत्ता बताते हुए शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया। इस शख्स का आरोप है कि नीतीश सरकार बिहार में विकास के काम नहीं कर रही है।
बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की मुंबई के अंधेरी इलाके में एक डांस स्कूल खोलने की योजना विवाद में घिरती जा रही है। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने हेमा मालिनी पर डांस स्कूल के लिए जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गलगली को आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक हेमा मालिनी को करोड़ों की कीमत वाली जमीन सिर्फ 70,000 रुपए में आवंटित कर दी गई। एक महीने पहले महाराष्ट्र सरकार ने हेमा मालिनी को डांस स्कूल खोलने के लिए 2000 स्क्वायर फीट मीटर जमीन आवंटित की थी। पुणे पहुंचे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से कहा है कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। छात्र संसद चर्चा समारोह में शामिल हुए मोहन भागवत ने कहा, About the show, it's pollution free, it's noise free and it's opinion free. Well, actually it's not because all we have is our opinion. On the show, this